हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो करते हैं पॉजिटिव नमस्कार। जब कभी भी नमस्कार के साथ अभी ये फ़ोन देख लो तो इसका मतलब है कि हम कोई एक अच्छा सा ट्रेलर रिएक्शन करने वाले हैं। तीन मूवीज़ हैं, एक का नाम है फुकरे, एक का नाम है, चार हैं एक्चुअली में, मिशन रानीगंज, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं बात दो जो आज आए हैं, द ग्रेट इंडियन फैमिली और वैक्सीन वॉर। फटाफट से करेंगे, ठीक है? तो जल्दी जल्दी चलता चला जाएगा मामला, देख लेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं फुकरे 3 से। वेरी गुड। थोड़ा चीप हो गए जोक्स। चूचा सही है भाई, मेन हीरो तो वही है। देदा छू तो बढ़िया ट्रेलर है। कब तक इसे अपने लंगोट से बांध के रखेगा? एक ना एक दिन तो चील चूजे को उड़ा के ले जाएगी। कांग्रेस सरदार जी, आप फिर से चाचा बन गए। आपके घर गॉड का नया गिफ्ट पैदा हुआ है। अच्छा, अरे बाप रे, कुछ ना कुछ ढूंढ लाते हैं। अरे बाप रे, क्रोकोडाइल भाई। तेरी 28 सितंबर, वेरी गुड। अच्छा ट्रेलर यार, मैंने मिस कर दिया है। सही है, मस्ती होगी। चलो जी, चलते हैं मिशन रानीगंज, द ग्रेट भारत रेस्क्यू। वेरी गुड। कोल माइंस, पुरानी कहानी, बहुत सारे लोग कोल माइन में फंसे हुए, पानी गिरता हुआ ऊपर से, अब ये लोग कैसे बचेंगे? अरे बाप रे, नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रवि किशन तो वो हमारे इंतजार में। यार इस तरीके के रोल में ना, पंजाबी रोल के अंदर ये जचता है यार, अक्षय कुमार। 6th October, नॉट वेरी फार, एक महीने में आ जाएगी, लेस देन 1 month। ओके, वेरी गुड। अच्छा है, पहले वाली फुकरे में मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा नॉन सेंसिकल सी होगी, और नॉन सेंसिकल होता ना, इसको बिल्कुल बंद करके जाना है और इन्जॉय करना है, उस जोन के अंदर है, और अच्छा है, ऐसी चाहिए होती है मूवीज़ कई बारी।
मेरी एक मूवी है वैसे, गिल्टी प्लेजर है वैसे, वो सुपर फ्लॉप थी लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। क्यों अच्छी लगी थी इसके बारे में कल बात करेंगे। मैं वीडियो आज ही बना लूँगा, कल आपको मिलेगा वो वीडियो। स्पेशल वीडियो गाली मत देना क्योंकि वो बहुत बुरी पिक्चर थी। कई बार वो होता है ना कि सबसे गंदी पिक्चर होती है दुनिया की, वो आपको अच्छी लग जाती है, वैसी वाली है। और ये मिशन रानीगंज जो है ये इंटरेस्टिंग लग रही है, और इसके अंदर VFX, पानी का डर, सफोकेशन, ये सब चीज़ें दिखाना और एक एक करके अगर कोई उस टाइम हादसा हुआ था उससे स्केयर क्रिएट कर पाना, आई थिंक वो काफ़ी बड़ा मायना रखेगा इसके अंदर। क्योंकि जैसे अगर कोई जान वान चली जाएगी तो आपकी दुख दुख भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। वैक्सीन वॉर विवेक अग्निहोत्री विवेक अग्निहोत्री की ऐड ही आ गई है। पहले पता नहीं कौन सी वीडियो गेम चल रही है, स्किप करो भाई इसको। शुरू मंकी। यार इसमें भी मतलब प्रोपेगेंडा इन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी। तोते की गर्दन मरोड़ दी और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। तो प्रोपेगेंडा था, और प्रोपेगेंडा से कैसे बचाया वो था। ओ ये भी आ गया। सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र वेरी नाइस। इसको लेके तो हम बहुत प्राउड हैं, हमने बनाया। बट क्या ये स्टोरी सच है समय बताएगा। 28 सितंबर को है ही, कितना इंटरेस्ट होगा लोगों का, वी विल सी। विल पीपल वॉच चूचा जवान और द वैक्सीन वॉर, लेट्स सी। फिलहाल के लिए तो ये ओके, जज्बात नहीं जागे इसमें। अगर हम सिर्फ मूवी की बात करेंगे, कॉन्टेंट कैसा है, क्योंकि जिस इंसान ने बनाई है किस रास्ते निकल जाए कुछ पता नहीं चलता। कभी सीधे रास्ते जाता, कभी टेढ़े भी चलाया था। बट एनीवेज, मोटे मोटे लेवल पे जिस तरीके का स्केयर, जिस तरीके की नीड, जिस तरीके की अर्जेंसी टू फाइट एंड क्रिएट सच अ वैक्सीन, वो नहीं जनरेट हुई है। बाकी एक और है यशराज की मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली ट्रेलर, जिसके अंदर है विक्की कौशल। चलो ये भी देख लेते हैं। शहरों में शहर है हमारा बलरामपुर, और बलरामपुर के फेवरेट है आम। Are you ready? ये है हमारी फैमिली दी ग्रेट। बलरामपुर के पुश्तैनी पंडित हैं, पूजा पाठ से लेकर कथा कीर्तन सब करवाते हैं, और अगर भजन करवाना हो तो उसके अनडिस्प्यूटेड किंग हैं हम। ओके सुनिए,
बस एक प्रॉब्लम थी। साला खेलने कूदने की उम्र में आशीर्वाद देना पड़ रहा था हमको। बाकी यंग हैं हम तो यंग चीजें भी करते हैं। नमस्ते। हाय। हेलो। लाइफ में सब कुछ बढ़िया टॉप क्लास चल रहा था, लेकिन भगवान का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत रिस्की होता है। गुरु पंडित जी, आपके परिवार में 7 दिसंबर को जो बच्चा आया है वो मुसलमान है? देखने से तो बिल्कुल नहीं लगते आप। ओ बाप रे, हमारी कुंडली तो पड़ी होगी ना, उनको तो मालूम होगा कि ये सब लिखा हुआ है हमारी लाइफ में। क्या फर्क है कल वाले हम में और आज वाले हम में? इट्स ऑन रिलीजन। ये जबरदस्त होगी ये मूवी, ये कंटेंट चाहिए हमें आज। द ग्रेट इंडियन फैमिली, हम और हमारी फैमिली से मिलना इस लाइक पर आज फॉर्मेट एंड सेटिंग। वाओ, मस्ती मजा और इमोशन की पूरी गारंटी है। सब परिवार टिकट खरीद के एंटरटेनमेंट के लिए जाएं, इसमें जाएं। सुपर्ब कंटेंट, मैं बताता हूँ क्यों 22 को आएगी ये। अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छी चीज़ पता चली यार। बताए क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, 22 सितंबर को ही आएगी। देखो, जो फैमिली होती है और जो फैमिली की वैल्यूज़ होती हैं वो किसी को एक अपब्रिंगिंग देती है, और वो अपब्रिंगिंग से आप अच्छे बुरे किसी भी तरीके के इंसान बनते हो। तो माँ बाप जो होते हैं पालने वाले, उनकी बहुत हद तक शिक्षा आपके आगे चली जाती है। उसमें ना तो कोई रिलीजन होता है, ना कोई खून होता है, ना कल्चर होता है, ना समुदाय होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। उसके अंदर प्योर जो भी आपको सिखाया जाएगा, चाहे वो हिंदुइज्म सिखाया जाए, सिखिज्म सिखाया जाए, या फिर अगर आप जिसको भी मानते हैं यार, जिसको भी मानते हैं, वहाँ पर आपको जो सिखाया जाएगा वही आगे आप सीखोगे एज अ रिलीजन आस्पेक्ट। बट एज अ ह्यूमन आस्पेक्ट और जो वैल्यूज़ आपको सिखाई जाएंगी, जो सिविक सेंस आपको सिखाई जाएगी, जो कल्चरली आपको दिया जाएगा, वही आप आगे सीख लोगे। आपको बोला गया आप हिंदू हो तो हिंदू मान लिया अपने आपको, और अगर आप अगर किसी अपने किसी ने उल्टा हुआ होता, किसी मुस्लिम परिवार में आप चले गए होते और आपको मुस्लिम माना जाता लेकिन आप हिंदू होते, तो ये बड़ा अच्छा दिखाया है इसके अंदर कि आप जो हिंदू मुसलमान है वो सिर्फ इंसानों के दिए हुए टैग्स हैं। एक्चुअली में तो सिर्फ नॉर्मल इंसान भगवान ने भेजा, और उसके बाद जो कुछ भी वो मोल्ड बनता है इंसान की शेप के अंदर, वो सिर्फ उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसका वैल्यू सिस्टम होता है। सुपर्ब यार, ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। मज़ा आ गया है देख के। ऐसा कॉन्टेंट देखना ज़रूरी है क्योंकि पॉजिटिविटी जिंदा है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड।